नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉकनेस के वीडियो में। मेरा नाम राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरटेड। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है तेजस नेटवर्क। आज इस स्टॉक ने 11.5% की तेजी दिखाई है, तो ये स्टॉक आज बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय हो रहा है और हमारे बहुत सारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि स्टॉक का एनालिसिस करके बताइए, स्टॉक में क्या करें, जिन लोगों ने एंट्री की हुई है उनके लिए क्या ऑप्शन है और जो लोग एंट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। सबसे पहले हम स्टॉक के वन बाई वन टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर मार्केट को। मार्केट यहाँ पर काफ़ी दिनों से एक लंबी तेजी जो नज़र आ रही थी उसी को कूल डाउन करने के लिए मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आज यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग थी, लेकिन उसको काफ़ी हद तक फिल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी गैप बहुत बड़ा था जो कि आज यहाँ पर नहीं फिल हो सका। अमेरिका में जो हालात है उसके चलते हमारे मार्केट में भी थोड़ा सा रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अमेरिका से ज़्यादा मजबूती से इस मुसीबत से लड़ रहे हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा RSI पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। देखिए RSI जब भी ओवरबॉट कंडीशन में आती है तभी वो कूल डाउन होने आती है। जब कई लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि कब बेचें, टॉप कहाँ है, बॉटम कहाँ है, तो भैया ये बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है RSI का, जो आप लोगों को बता देता है कि कहाँ पर बॉटम है और कहाँ पर टॉप है। ये एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी 200-400 पॉइंट तो आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को लगभग आइडिया हो जाता है कि मार्केट कहां से टॉप हो रहा है, कहां से बॉटमाइज हो रहा है। तो RSI के कॉन्सेप्ट भी हम यहां पर लगाएंगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि RSI यहां पर ओवरबॉट कंडीशन से भी ऊपर जा चुकी है। इस शेयर की जो पिछली बार हाईएस्ट RSI थी 96 है, तो यहां पर अभी 83 चल रही है, तो जिसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि इस शेयर में अभी भी और भी अपसाइड आ सकती है, लेकिन हम लोग उस अपसाइड को हमेशा निगलेक्ट करके चलेंगे। हम लोग देखेंगे कुछ ना कुछ तो आपसे छूटेगा ही ना, आप लोग सब कुछ कवर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो आपसे यहाँ पर छूट सकता है। जो लोग पहले से इसमें अच्छा खासा यहाँ पर होल्डिंग करके आ रहे हैं उन लोगों के लिए मौका है। यहाँ पर बड़ी कैंडल जब भी बनती है बड़े वॉल्यूम के साथ, वो फिर उसके बाद यही होता है कि आने वाले दिनों में प्रॉफिट बुकिंग होगी। और शायद यहाँ पर भी RSI भी टॉप हो चुकी है, उसके चलते एक नीचे का करेक्शन आएगी। अगर करेक्शन में आपको टिके रहने की क्षमता है तो आप रुक सकते हैं, अगर आप में धैर्य की कमी है तो आप यहां से प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं आखिर ये कंपनी क्या करती है। मोटा मोटी अगर हम इस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को समझें तो मुझे समझ में आ रहा है ये कंपनी यहाँ पर डाटा से रिलेटेड काम करती है, या तो डाटा सॉल्यूशन देती है, काफ़ी सारे ये क्षेत्र में काम करती है, इंडिया, अमेरिका, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को सॉल्यूशन देती है, डाटा कैरिंग, मोबाइल डाटा सेंटर, ब्रॉडबैंड एक्सेस, बहुत सारी चीज़ें ये कंपनी देती है। तो मेन में समझ रहा था ये डाटा स्टोर कराती होगी या फिर डाटा नेटवर्क, यानी कि नेटवर्किंग कंपनी है, नेटवर्क कंपनी है जो कि डाटा रिलेटेड काम करती है। साथ साथ ये बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। तो एक लौती नेटवर्क कंपनी लगती है, यानी कि IT बेस्ड कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, यानी IT कंपनी है। तो IT कंपनी है। रिटर्न देख लेते हैं हम इस कंपनी के, रिटर्न शानदार है, एक ईयर से 62% का रिटर्न दे चुकी है और यहाँ पर 6 महीने 50% का और 3 महीने 40% का और 1 महीने 28% का, 1 वीक में 23% का रिटर्न दे चुके हैं, यानी कि रिटर्न अच्छा है इस कंपनी का। हम लोग यहां से आगे भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मैं जब भी आप लोगों को किसी भी स्टॉक में एंट्री करने के लिए कहता हूं तो देखिए आप लोग अगर जैसे आप लोग मेरी राय सुन रहे हैं या किसी की भी राय सुन रहे हैं, मतलब कि आप नए हैं, नए खिलाड़ी हैं इस गेम में, तो नए खिलाड़ी के लिए मैं नहीं चाहता पेशेंट टेस्ट हो। देखिए जैसे यहां पर एक रेजिस्टेंस था, मल्टी टाइम रेजिस्टेंस था, जिसको ये तोड़ के आज शेयर ने ऊपर निकल गया। न्यूज़ का अभी तक नहीं समझ में आया कि न्यूज़ क्या थी, इसके चलते स्टॉक इतना ज़्यादा तेज बढ़ा है, न्यूज़ अभी तक क्लियर नहीं है। न्यूज़ जैसे क्लियर होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन था जिसको तोड़ के शेयर ऊपर निकल गया था। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक मोरी बाजू कैंडल नहीं बनी है, यानी कि एक कैंडल जो मोरी बाजू उसे स्ट्रॉन्ग कैंडल मानते हैं, जो यहाँ से देखिए स्टार्ट हो नीचे से और ऊपर जाके एंड हो, तो हम ये सोच सकते हैं कि कल आने वाले दिन में भी आप लोगों को अच्छी तेजी नज़र आएगी। लेकिन क्या हुआ है, ये कैंडल तो गई तो है
लेकिन उसके बाद इसमें फॉल भी आया है आप लोगों, और नीचे थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं हम जाके। देखिए एक घंटे पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक घंटे तक बात सब कुछ सही थी, ऊपर भी गया मार्केट लेकिन ऊपर शुरू हुई देखिए फिर उसके बाद नीचे आई। तो इससे ये समझ में आता है कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है शेयर में, प्रॉफिट बुकिंग की है वो लोग। क्या कुछ लोग कल के आने वाले दिन पे भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यानी कि कुछ लोग और भी इसमें पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो उसके चलते हमारे लिए नई पोजीशन बनाना अभी बिल्कुल भी सटीक टाइम नहीं होता। लेकिन कुछ लोग क्या है कि जो नए हैं वो लोग देखते हैं बड़ी कैंडल बनी और यहाँ पर देखा कि आज तेजी हुई कल भी तेजी होगी, ऐसा नहीं होता है। कल तेजी होना के चांसेस बहुत ही कम है। अगर आपने नीचे से यहाँ पर एंट्री की हुई है या कहीं पे भी एंट्री की है तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, लेकिन अभी एंट्री बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने यही कॉन्सेप्ट आपको निफ्टी में बताया था, निफ्टी में जब भी ओवरबॉट हो जाती है नीचे आता है, देखें निफ्टी में भी अच्छा खासा यहाँ से आप लोग देख सकते हैं करेक्शन आ चुका है। देखिए 5% निफ्टी में करेक्शन आ चुका है। अगर आपको भी इस शेयर में और 5-10% करेक्शन आता नजर आएगा तो आप लोग सह नहीं पाएंगे, तब आप अपनी पोजिशन को वापस स्क्वायर अप करेंगे। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर एक और पैटर्न जो नज़र आ रहा है, पैटर्न देखिएगा, पैटर्न बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। देखिए यहाँ से देखेंगे तो हम यहाँ पर देख पाएंगे ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ट्रायंगल पैटर्न बेहद ही यहाँ पर कारगर हुआ, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती। देखिए पैटर्न बनते हैं लेकिन एंट्री कई बार नहीं मिलती, एंट्री इस तरह नहीं मिलती। अगर आप यहाँ पर इस यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट होने पर आप एंट्री करते तो आपका स्टॉप लॉस बहुत नीचे बैठता, स्टॉप लॉस आपको प्रीवियस लो के आसपास रखना पड़ता। तो यहाँ से आप लोगों के पास स्टॉप लॉस बनता। यहाँ पर देखिए एंट्री तो बहुत मिलती है स्टॉक मार्केट में, लेकिन वो एंट्री जो आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे वो ही अच्छी ट्रेड कहलाती है। तो $112 का यहाँ पर मिल रहा था आपको स्टॉप लॉस, जो कि बहुत अच्छा नहीं है 609 रुपये के स्टॉक में, जो कि उस समय रहा होगा 574 के प्राइस पर रहा होगा, तो आपके लिए अच्छा नहीं था इतना बढ़ा कर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो आप लोगों को इंतजार करना है, ये जो लाइन है आप लोगों कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट का काम करेगी और इसी सपोर्ट लाइन के आसपास अभी नीचे आएगा शेयर जहाँ तक उम्मीद है वो, तो आप लोगों को देख सकते हैं। और बाकी इसमें ट्रेंड तो अप ट्रेंड ही है, देखिए 400 मूवी एवरेज कितनी दूर है, तो इससे भी पता चलता है कि बढ़िया अप ट्रेंड में ये शेयर है। लेकिन बस आपको इस पर नज़र रखनी है, क्योंकि कुछ लोगों की नज़र में आज ही आया होगा जब 11% की तेजी हुई होगी 11.5%, तो कुछ लोगों ने इस पर नज़र डाली होगी। तो नज़र आपकी बनी रखिएगा और थोड़ा इंतजार किया। चलिए इसके फंडामेंटल में नज़र डाल देते हैं। फंडामेंटल देखते हैं तो 144 करोड़ यहाँ पर जून तिमाही में कमाए हैं, जो कि मार्च तिमाही से बढ़कर आया और दिसंबर तिमाही से भी बढ़कर आया है लगातार। सितंबर तिमाही से थोड़ा सा कम है और यहाँ पर जून तिमाही से भी हल्का सा कम हुआ है, पिछले साल की तुलना करेंगे तो काफ़ी कम है। तो उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं नीचे चलते हैं, प्रॉफिट देखिए प्रॉफिट नहीं हुआ है, यही दिक्कत वाली बात है। मैं कह रहा ना कुछ ना कुछ कंपनी में गड़बड़ हो सकती है। प्रॉफिटेबल मार्जिन देख सकते हैं आप लोग माइनस में है, यानी कंपनी का खर्चा बहुत ज़्यादा है, आमदनी अटन नहीं है, खर्चा रुपया है। लेकिन एक बात ये अच्छी नोटिस करने की है कि यहाँ पर देखिए लगातार जो यहाँ पर प्रॉफिटेबल है यानी कि लॉस जो है वो कम हो रहा है। पहले 32 करोड़ का था, फिर 96 करोड़ का हुआ और उसके बाद 13 करोड़ का ही रह गया है। तो इसके चलते देख सकते हैं कि आने वाले समय में और तेज़ी होगी, या तो इस कंपनी में कोई न्यूज़ आई है जो हमें अभी पता नहीं है, जिसके बारे में हम शायद हमें थोड़े टाइम बाद पता चलता है, क्योंकि कुछ न्यूज़ ये होती है जिनमें टाइम लगता है हमें पता करने में, क्योंकि ये न्यूज़ है लेट ही आती है, तो इसलिए न्यूज़ के भरोसे की ट्रेडिंग करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो अच्छी न्यूज़ में लगता है कुछ ना कुछ आई है, उसके लिए इंतजार करेंगे। लेकिन कभी भी टॉप पे एंट्री मत कीजिएगा, थोड़ा सा चाहे कितनी बढ़िया न्यूज़ हो, आप लोग पिछले न्यूज़ सब उठा के देख सकते हैं कितनी बढ़िया न्यूज़ हो, हमेशा शेयर थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, कूल डाउन होगा, फिर अच्छी आपको लेवल मिले इस लेवल के आसपास, इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो आप लोग एंट्री कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य दोस्तों आप लोगों को किसी भी तरह की कॉल प्रोवाइड टिप्स या ट्रिक्स देना नहीं है, हम लोगों का उद्देश्य आप लोगों को एजुकेट करना, तभी मैं इतने विस्तार से इतने आराम से आप लोगों को समझाता हूँ। मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स बनाता रहता हूँ शेयर मार्केट रिलेटेड, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो, बेसिक हो, स्टॉक मार्केट हो, मैं इस चैनल पर आपके लिए लेके आता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप लोग भी
शेयर मार्केट की नॉलेज गेन करके और अपना प्रॉफिट कमा सकें और दूसरों पे डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो, सेल्फ डिपेंड हो जाए, आत्मनिर्भर बन पाए, यही इस चैनल का उद्देश्य है। बस आप लोगों को इस मुहिम में हमारा साथ देना है और जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ साथ उन दोस्तों के साथ उन कोर्सों को, ये कोर्स जो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, इन कोर्स को आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि कोई ज़रूरतमंद जो चाहता हो शेयर मार्केट को सीखना और कहीं से उसे नॉलेज नहीं मिल रही है, तो वो यहाँ से शुरुआत कर सकता है, सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। आप लोगों को उन दोस्तों के साथ हमारे कोर्स को, हमारे वीडियो को शेयर करना है, यही आपकी यहाँ आपसे हमें यही चाहिए। आप लोग हमारी मुहिम को सपोर्ट कर सकते हैं अपने एक एक्ट के द्वारा। अरे आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और आप लोग चाहते किसी और स्टॉक के एनालिसिस समझना तो हमें आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में। तब तक दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।